इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर यूआईटी द्वारा बड़गांव में सड़क चौड़ी करने का विरोध किया जा रहा है। उदयपुर से गोविंदा जाने वाले मार्ग पर बड़गांव में बॉटलनेक बना हुआ है, जिसके चलते कई बार लंबा जाम लगता है। हर बार यहां होने वाले पंचायत चुनाव में इस बॉटलनेक को चौड़ा करने का मुद्दा गर्म रहता है। यूआईटी लंबे समय से इस बॉटलनेक को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए ग्रामीणों से समझाइश भी की गई थी। ग्रामीणों से वार्ता पूरी होने के बाद यूआईटी द्वारा 60 फीट रोड बनाना प्रस्तावित किया गया, लेकिन एक बार फिर क्षेत्रवासी इसके विरोध में उतर गए हैं। बड़गांव के लोगों का आरोप है कि यूआईटी ने सभी को अतिक्रमण मान लिया है, जबकि पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया था। शुक्रवार को व्यापार मंडल ने यूआईटी के विरोध में स्वैच्छिक रूप से सुबह 9 से 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बड़गांव के लोगों ने यूआईटी से पुनः विचार करने की मांग की है। कुछ समय पहले यूआईटी ने हमारे ग्राम पंचायत में मेन रोड पे लोगों को नोटिस दिए थे, ये कह के कि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, हम 100 फीट रोड करेंगे। पहले चरण में हम 60 फीट करेंगे, दूसरे चरण में 100 फीट करेंगे। उस नोटिस के उपरांत हम सब ग्रामवासी यूआईटी गए, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा हम कि हमारी बात उन्होंने मानी। उन्होंने कहा हम नहीं 50 फीट तक कर लेंगे और जिसकी जितनी ज़मीन जाएगी उसको ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे और मुआवजा देंगे जिसका कुछ छूटेगा, लेकिन बिना आपके पूछे हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमसे वादा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने वापस नोटिस दिया है और उस नोटिस में 60 फीट रोड चोरी करने के लिए और सबको अतिक्रमित घोषित किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यूआईटी ने हमसे जो बात की थी उन्होंने वादा खिलाफी की है, कि संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि वो वादा खिलाफी कर सकते हैं तो हम भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब जब तक हमसे बात नहीं करेंगे और ढंग से ये नहीं करेंगे तब तक हमने भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ रोड की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें रोड नहीं बनने देनी है, रोड चोरी नहीं करने देनी है। बस यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आज सवेरे 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक सभी व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखा है। व्यापार से हम बहुत परेशान हैं, बार बार निशान लगाए गए हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है हम कहाँ जाएंगे। अभी आज के समय में अगर सड़क तोड़ दी जाती, सड़क बनाने के लिए तोड़ दी जाती, हम इस समय मैं और मेरे सभी किराएदार सब कहाँ जाएंगे। हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमें सड़क चौड़ी नहीं की जाए, 40 फीट की जाए और हमें मुआवजा दिया जाए और हमें इस कोरोना काल में हमें समय दिया जाए। पूर्व में कोई कुछ भी मुआवजा वावजा नहीं दिया गया है, हमें तो अतिक्रमण माना गया है। अभी भी जब जब हम 150 हमारे मैं दादाजी के फादर सब यहीं रहे हुए हैं, हमारे मैं खुद मेरा छोटा बच्चा हो गया, यानी कि हमारे पीढ़ियों से यहीं रहे हुए हैं और हमें अतिक्रमण माना गया है। Thank you.